like a Hellcat. प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल्स, व्हाट आर द साइज ऑफ द सेल्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जस्ट गो फॉर इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जस्ट क्लिक इन एंड सी द प्रीवियस वीडियो. एंड इन दिस वीडियो वी गोइंग टू लर्न द सेल पार्ट्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो. तो सेल पार्ट्स क्या है? सेल पार्ट्स में फर्स्ट वी गोइंग टू नो, फर्स्ट इज सेल वॉल. ठीक है, फर्स्ट क्या है? सेल वॉल. नेक्स्ट इज आवर सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. ओके, थर्ड इज आवर साइटोप्लाज्म. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म. फोर्थ वन इज न्यूक्लियस. सो दीज आर द मेन फाइव पार्ट्स ऑफ द सेल्स. ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ओके, सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. ठीक है, क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज सेल वॉल. सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ओके, फ्रॉम अदर फॉरेन सब्सटेंसेस. जैसे कि कोई अगर प्लांट में देख लेते हैं, सेल वॉल स्पेशली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. बिकॉज प्लांट सेल नीड्स दैट प्रोटेक्शन. टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई क्लाइमेट से वो सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को. हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है, स्टेबिलिटी रखता है, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग स्टेबिलिटी रखता है. तो सेल वॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट सेल. नेक्स्ट इज आवर सेल मेम्ब्रेन. What is cell membrane? Cell membrane is nothing but cell wall के बाद एक membrane आता है, that is a cell membrane. Cell membrane also known as plasma membrane. ठीक है, cell membrane को बोलते हैं plasma membrane भी बोला जाता है. क्यों plasma membrane? Plasma membrane इसलिए बोला जाता है क्योंकि all the nutrients it exchange, it helps to exchange the all the nutrients from inside the cell to outside the cell. अगर एक सेल को पानी चाहिए, इफ अ सेल इज वांटेड अ वाटर लिक्विड, ओके, वाटर चाहिए, तो क्या करता है वो सेल? अब्सॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम सराउंडिंग. ठीक है, अगर वो पानी को, इफ अ सेल डजंट वांट वाटर, अगर एक सेल को पानी नहीं चाहिए तो वो क्या करता है? पानी रिलीज कर देता है. ठीक है, जो ये इंस्ट्रक्शन, रिलीज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ वाटर लिक्विड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज बाय सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो ऑल द एक्सचेंज जो होता है वो सब कुछ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. ओके, ऑल द एक्टिविटीज, एक्सचेंज एक्टिविटीज डज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस. ओके, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन साइड द सेल वॉल. ओके, इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ऑल द ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज गोल्जी अपैरेटस. ओके, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल. नेक्स्ट वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट राइबोसोम्स और मेनी मोर थिंग्स. दिस आर सम ऑर्गेनल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ओके, व्हाइट कलर का सब्सटेंस वी कैन सी इन द पिक्चर. और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. दीज आर नथिंग बट ऑर्गेनल्स, टाइनी सब्सटेंसेस विच एक्ट एज विच हैव दैट पर्पस, उनके फंक्शंस होते हैं. तो ये सब वो उसमें साइटोप्लाज्म में रहता है.
और दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैव डिफरेंट फंक्शन. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एनर्जी टू द सेल्स, नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस गिव्स जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियस हैव जेनेटिक मटीरियल, ओके क्रोमोसोम्स, ओके. सो डिटेली वी गोइंग टू नो अबाउट न्यूक्लियस हियर. सो न्यूक्लियस में क्या है, देयर आर टू थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक है, न्यूक्लियस में एक है विथ आउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके. जो है दो टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से, एक है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स. जो सेल्स में, जो सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो सेल्स, दो सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स. And those organisms are composed of prokaryotic cells are known as prokaryotes. Okay, so the cells which have with nuclear membrane, okay, cells with nuclear membrane is called eukaryotic cells. Eukaryotic cells. Okay, the cells which have nuclear membrane is known as eukaryotic cells. Okay, the eukaryotic cells, the organisms which are composed of eukaryotic cells are known as eukaryotes. I hope this is clear. The prokaryotic cells and eukaryotic cells, these are differentiation. The prokaryotic cells are those organisms which are without nuclear membrane, and eukaryotic organisms are those organisms which have cell membrane. Okay, so इसमें 2 marks के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू नो अबाउट न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज नथिंग बट ए डार्क डेंस appearance, dense circular appearance which is present in the middle of the every cell, okay, dense circular shape which is present in the center of the every cells. Okay, so what is the purpose of the nucleus? Nucleus ka kya function hai? Nucleus have chromosomes. Okay, nucleus have chromosomes. Okay, chromosomes are nothing but chromosomes carry genes. Genes. What are genes? Genes are nothing but genes are heredity. Means heredity. This comes from the past parents. जैसे parents से जो gene आते हैं, parents से जो features आते हैं, those are nothing but genes. Okay, ये genes are consist हर organisms में ये genes होते हैं. हर ऑर्गेनिजम्स में जीन्स होते हैं. तो क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स. जीन्स कैरेक्टराइज्ड द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जीन ही बताता है वो फीचर कैसा है, वो ऑर्गेनिजम्स कैसा है, इट इज कलरलेस और टॉल शॉर्ट और एनीथिंग. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रीड बाय द जीन. ओके, सो तो न्यूक्लियस का और एक फंक्शन है. न्यूक्लियस ही मेन क्या है, एक मेन ऑर्गेनिल्स है, मेन सब्सटेंस है विच एक्टिवेट्स ऑल द फंक्शन. एक सेल को ऑल द इंस्ट्रक्शंस देता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ही सेल्स को पूरा इंस्ट्रक्शन देता है कि इस कौन सी ऑर्गेनिल्स को क्या काम करना है, व्हेन शुड बी साइटोप्लाज्म ओपन ऑन, व्हेन शुड बी क्लोज. ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय न्यूक्लियस ओनली. जो भी फंक्शन होता है सेल में सारे न्यूक्लियस की हेल्प से ही होता है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल में एनिमल, जैसे सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. तो दैट वी गोइंग टू नो डिटेली. और भी बहुत कुछ है, जैसे कि हम एनिमल सेल में प्लास्टिड्स, व्हाट इज प्लास्टिड्स एंड व्हाई एनिमल सेल्स इस नॉट, वाई प्लांट सेल्स आर ग्रीन इन कलर, एनिमल सेल्स ग्रीन नहीं है. वाई? बिकॉज वाई प्लांट सेल इज ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ सम पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट. वो हम पढ़ने वाले हैं. चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो अभी हम देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर प्लांट सेल में देख सकते हैं कि सेल वॉल है, वेयर इज एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है.
अभी नेक्स्ट इज प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है एज वेल एज एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है. वेयर एज न्यूक्लियस भी है, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस है. नेक्स्ट वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? देखो प्लांट सेल में वैक्यूल इज लार्जर कंपेयर टू एनिमल सेल. तो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है, एनिमल सेल में छोटा है. तो वैक्यूल्स गिव्स रिजिडिटी टू द सेल्स, एक स्ट्रॉन्गनेस देता है सेल को. वैक्यूल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्स, ठीक है. इसीलिए प्लांट सेल में ज्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल नीड्स मोर रिजिडिटी कंपेयर टू एनिमल सेल. सो नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ द सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बट इन दिस सेल, इन प्लांट सेल में क्या है? प्लास्टिड सेल, क्लोरोप्लास्ट है. इसन इट प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, वेयर इज इन एनिमल सेल्स क्लोरोप्लास्ट नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल हमारे ग्रीन कलर दिखते हैं, ठीक है. तो देयर आर, तो हम एक इम्पॉर्टेंट है जैसे प्लास्टिड्स, ओके प्लास्टिड्स. देयर आर प्लांट्स, द वैरायटीज ऑफ प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है. देयर आर ब्लू, ग्रीन, रेड, ओके. देयर आर वैरायटीज ऑफ प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन द प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर कलर ऑफ प्लास्टिड्स, द लीफ कलर डिफर्स, ओके. जो जैसा प्लास्टिक कलर, जैसे कि अगर कोई रेड है, प्लास्टिक का कलर रेड है, तो वो लीफ का कलर रेड दिखाई देता है, ठीक है. वी कैन सी द रेड कलर लीफ ऑल्सो, तो दैट इज नथिंग बट वो प्लास्टिक्स की वजह से. तो देयर आर वैरायटीज कलर्स ऑफ प्लास्टिक्स. अगर ग्रीन है तो दैट इज ग्रीन, अगर ग्रीन प्लास्टिक्स है तो दैट विल बी नोन एज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो, क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ पी एच ए एस टी, क्लोरोप्लास्ट. दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्रीन कलर पिगमेंट जिसमें होता है, जिस लीफ में होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें ग्रीन कलर प्लास्टिक्स होता है, ओके. सो वी कैन सी हियर इन द सेल, सेल डायग्राम में हम देख सकते हैं प्लांट सेल में प्लास्टिक्स है, ओके. नेक्स्ट इज वी कैन सी इन दिस टेबुलर कॉलम, तो हम बोल सकते हैं दोनों में, प्लांट सेल में हमारा, प्लांट सेल में हमारा सेल मेम्ब्रेन है, एंड एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, यस. प्लांट सेल में सेल वॉल है, यस. एनिमल सेल में भी सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, यस. एनिमल सेल में सेल वॉल है, नो. नेक्स्ट इज प्लांट न्यूक्लियस है, यस. न्यूक्लियस, यस. बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस. प्लांट सेल आल्सो हैव, एनिमल सेल आल्सो हैव. नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? यस, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्या है हमारा? प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स एनिमल सेल, प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है, एब्सेंट है. नेक्स्ट वैक्यूल. यस, वैक्यूल्स हैव इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल. प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है. प्लांट सेल में छोटा है, एनिमल सेल में बड़ा है. सॉरी, प्लांट सेल में बड़ा है, एनिमल सेल में छोटा है, ओके. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर. इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. और बाकी के वीडियोस अगर नहीं देखे, प्लीज सी द प्रीवियस वीडियो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.